All right, we are doing resonance for NEET and JEE. शुरुआत ऐसे करेंगे जैसे हम बेसिक से कर रहे हैं, ठीक है? तो रेजोनेंस हमने सिंपल शब्दों में पढ़ा था कि रेजोनेंस कब होती है। रेजोनेंस तब होती थी जब डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखता है, या डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज दिखता है, या डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर दिखता है। ऐसी चीजें दिखती है तो रेजोनेंस होती हुई दिखाई देती है। ऐसे सिस्टम जिनमें ये होता है उन्हें बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कि जिन भी कंपाउंड्स में ऐसा देखने को मिलता है वो कॉन्जुगेटेड होते हैं। जैसे बेंजीन, बेंजीन में डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है? तो रेजोनेंस से, रेजोनेंस को हम चैप्टर 4 में भी पढ़ते थे और वहां पे हमने कुछ चीजें पढ़ी थी रेजोनेंस के बारे में और थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं बेंजीन का ये स्ट्रक्चर सही है या ये स्ट्रक्चर सही है या दोनों सही है, दोनों ही गलत है। पॉइंट इज दिस, अगर अगर बेंजीन के अंदर एक डबल एक सिंगल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड की लेंथ छोटी होती है और सिंगल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, बड़ी। तो डबल बॉन्ड की लेंथ होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ होती है डबल बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, और कार्बन की सिंगल सिंगल बॉन्ड जो होता है वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? तो पॉइंट इज दिस, ऐसा होना चाहिए कि इधर से बड़ा इधर से छोटा, इधर 1.54 लेंथ होनी चाहिए थी और यहाँ पे 1.34 होनी चाहिए थी, है ना? सिमिलरली ऐसा होना चाहिए था, एक छोटा बॉन्ड एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, बेंजीन जैसा दिखता है वैसा दिखता ही नहीं, वो अजीब सी शेप होती है, राइट? पर पॉइंट इज दिस, वी हैव सीन कि वो जो बेंजीन के बॉन्ड्स है वो नाइदर 1.34 है Neither 1.54 है, but it is in between the two, it is 1.39 angstrom. So point is this, benzene के सारे bonds बराबर है, कोई बड़े कोई छोटे नहीं, तो that means ये ऊपर के जो cacule structures है वो accurately नहीं बता रहे, तो हमें उसके लिए hybrid बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? Hybrid. Hybrid में वो जो bonds है double bond वो हर जगह distribute हो गए और इस वजह से डबल और सिंगल होने की बजाय सारे ही पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर में आ गए। सारे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर में मतलब ऐसा था कि तीन कार्बन तीन बॉन्ड्स को मिला था डबल का सहारा और तीन को मिला था सिंगल का सहारा, पर हमने क्या किया, हमने तीन डबल बॉन्ड को 6 पे बांट दिया, तो सबको डबल नहीं मिला, सबको डबल से थोड़ा कम मिला। तो अगर डबल होता तो 1.34 होता, पर 1.39 बीच में आ गया, डबल भी नहीं है सिंगल भी नहीं है, सारे बॉन्ड ऑन एन एवरेज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर दिखा रहे हैं। कैसा करेक्टर दिखा रहे हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। इज दिस क्लियर सावल एंड तमनदीप? क्या लेट हो गए? ठीक है, रिएक्शन के टाइम हम ये बनाते हैं यूजुअली, बट एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है, और अगर रिएक्शन के वक्त तुमने ये बना लिया तो गलत होता है, ठीक है? तुम्हें यही बनाना होता है रिएक्शंस पे। अच्छा, तो रेजोनेंस, कि अगर हम बात करें तो रेजोनेंस हमने बॉन्डिंग में भी देखा था चैप्टर 4, और उसमें हमने ये देखा था, जैसे CO2 को ले लो, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये था CO2 इज सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, ये CO2 का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये CO2 है, राइट? और CO2 को अगर तुम देखो तो CO2 कुछ इस तरीके से भी बन सकता था CO2 का स्ट्रक्चर, एक साइड ट्रिपल बॉन्ड और एक साइड सिंगल, तो भी ऑक्टेट सबका पूरा हो रहा था, तो ये भी एक रेजोनेंट स्ट्रक्चर था। तो जरूरी नहीं है कि बेंजीन में ही रेजोनेंस हो, हम और कंपाउंड में भी रेजोनेंस दिखा सकते हैं, उधर ट्रिपल इधर सिंगल, और इधर इधर ट्रिपल उधर सिंगल, एक दो लाइक दिस। तो पॉइंट इज दिस, हमारे ना सिर्फ बेंजीन के बट और भी कंपाउंड्स के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है?
और रेजोनेंस में हम ये करते हैं कि जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं वो सारे बनेंगे। रेजोनेंस कर रहे हैं हम आज शुरू। खत्म हो गया था स्ट्रेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद जीओसी भी शुरू हो गया था, इंडक्टिव इफेक्ट करा था हमने उसके बाद। अच्छा तो ये हमारा क्या है, रेजोनेंस इन CO2, रेजोनेंस इन CO2। तो कौन सा इसमें से सबसे सबसे एक्यूरेट डायग्राम होगा, ये या ये या ये, बीच वाला, बीच वाला, बीच वाला, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड डिवाइड हो रहा है, इधर तीन इधर एक, इधर तीन इधर एक, और इधर क्या है, दोनों पे दो दो, तो एवरेज वाला स्ट्रक्चर ये है, एंड दिस इज हियर मोर एक्यूरेट देन अदर्स। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस, हम बात करें अगर स्टेबिलिटी की, तो कुछ स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी की भी कंडीशंस होती है, कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, वो चीजें भी हम देखेंगे। और इससे पहले हम ये लिख लेते हैं, एक साइंटिस्ट था इनगोल्ड, इनगोल्ड साइंटिस्ट कॉल्ड दिस फिनोमेना मेसोमेरिज्म, इसका नाम उसने क्या रखा था, मेसोमेरिज्म। ये भी याद रखना, अगर हमसे पूछा जाए मेसोमेरिक इफेक्ट एक्सप्लेन करो, तो हम एक्चुअल में रेजोनेंस की ही बात कर रहे हैं। किसने दिया था ये नाम, इनगोल्ड ने। ठीक है, रेजोनेंस की डेफिनेशन, व्हेन अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर डज नॉट एक्सप्लेन द करेक्ट मॉलिक्यूल, देन वी टेक अ नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म्स एंड देयर हाइब्रिड रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये चैप्टर 4 में था बॉन्डिंग, वही वाली डेफिनेशन हमारी रेजोनेंस की रहेगी। ठीक है, तो अब रेजोनेंस इफेक्ट की बात करेंगे थोड़ी देर में, जो बेंजीन के ऊपर देखने को मिलता है रेजोनेंस इफेक्ट होता है वो। ठीक है, तो हाँ अभी रेजोनेंस से आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, अगर तुमसे पूछा जाए इलैबोरेटली बताओ व्हाट आर द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। वैसे हमारे पास रफ में तो हमें पता है डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट लोन पेयर, पर अगर हम थोड़ा सा इसको सोफेस्टिकेटेडली पढ़ें, वो तो हमारा एक ट्रिक टाइप है करने की, है ना। तो व्हाट इज द कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, तो कंडीशंस फॉर रेजोनेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एटम शुड बी सेम। रेजोनेंस बनाते वक्त ऐसा तुमने देखा अभी जो हमने दो रेजोनेंस बनाए उसमें जैसे कार्बन और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट था वो सेम ही रहा तीनों स्ट्रक्चर में, क्या ये डिफर किया कहीं? नहीं, अरेंजमेंट ऑफ एटम शुड बी सेम इन ऑल द स्ट्रक्चर्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ऐसा नहीं है कि तुम अरेंजमेंट बदल दोगे, एटम्स शुड बी सेम इन ऑल द स्ट्रक्चर्स। अगर तुमसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स दिया जाए और एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना रखा हो ओ सी कुछ ऐसा, और तुमसे पूछा जाए कि विच इज नॉट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो तुम्हें सीधा सीधा दिखेगा जिसके अंदर अरेंजमेंट गलत होगी, अरेंजमेंट चेंज होकर रेजोनेंस स्ट्रक्चर काउंट नहीं होता, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता उसका। तो ये वाली कंडीशन याद रहेगी, अरेंजमेंट शुड बी सेम। ठीक है, और इन कैनोनिकल फॉर्म्स। ठीक है, तो सेकेंडली डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन माने जो एक बॉन्ड इधर से उधर चला जाता है या उधर से इधर चला जाता है, डीलोकलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर की हो सकती है, सिग्मा बॉन्ड्स की नहीं हो सकती। ऐसा ना हो कि किसी की डीलोकलाइजेशन ऑफ Only pi electrons and lone pairs can take place. Point is this, अगर मैंने कभी ऐसा bond बना दिया, जैसे for example अगर मैं resonance structure बना रहा था CO2 का और मैंने बोला कि यहाँ पे कोई bond ही नहीं है, यहाँ पे आ गए तीन bond ऐसा, क्या sigma bond कभी टूट सकते हैं? नहीं, sigma नहीं टूट सकता। तो sigma bond नहीं टूट सकता, कौन कौन इधर से उधर जा सकते हैं? Lone pairs जा सकते हैं और pi, पाई के इलेक्ट्रॉन्स यानी पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर कैन डीलोकलाइज, यानी डीलोकलाइज मतलब अपनी जगह छोड़ सकते हैं बट नॉट अदर इलेक्ट्रॉन्स। तो सेकंड कंडीशन भी क्लियर है हर्ष? ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है रेजोनेंस की? थर्ड कंडीशन इज, थर्ड, हाँ ठीक है, रेजोनेंस मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट, स्ट्रक्चर्स मस्ट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स हाइब्रिड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स मस्ट कंट्रीब्यूट टू हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं हो सकता कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ और बोलता है और कोई भी स्ट्रक्चर उससे सिमिलर नहीं है,
सारे के सारे स्ट्रक्चर हाइब्रिड से थोड़ा थोड़ा मैच होने चाहिए, जैसे हमने ये देखा था। तो यहाँ पे तीन और एक था, यहाँ तीन और एक था, तो तीन और एक का डिवाइड बाई टू किया था तो हाइब्रिड समझ आ रहा था, इससे भी हाइब्रिड समझ आ रहा है, इससे भी हाइब्रिड समझ आ रहा है। तो कैनोनिकल फॉर्म से हाइब्रिड लिंक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही हो और वो हाइब्रिड बना ही ना सकता हो, ऐसा कोई स्ट्रक्चर ना हो, तो दे मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा वाला? जब आपने वो स्टार्टिंग में लिखा था फर्स्ट पेज ये था, ठीक है, जिसमें हमने बेंजीन की केक्यूल स्ट्रक्चर्स को बनाया था, ठीक है, और हमने बताया था कि एक सिंगल बॉन्ड इतनी लेंथ का होता है, डबल बॉन्ड इतनी लेंथ का होता है, पर हमारा जो बॉन्ड है वो कितने लेंथ का है इनके बीच की, है ना। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम किसे बोलते हैं, जिनमें डबल ये कंडीशंस मीट होती हैं, वो कंडीशंस क्या है, डबल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल बॉन्ड अल्टरनेट, पॉजिटिव चार्ज, ये कंडीशन जिसमें मीट होती है उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इनगोल्ड ने मेसोमेरिक इफेक्ट नाम दिया था इस इफेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, हाँ बोले सर, आपने बोला कि डबल बॉन्ड 1.34 का था और सिंगल बॉन्ड 1.54, तो वो 1.39 जो था वो किसका था? बेंजीन का, जो उन दोनों के बीच में आ रहा था, हाइब्रिड है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड था। अच्छा, ऑल कैनोनिकल फॉर्म मस्ट हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव इक्वल इलेक्ट्रॉन्स, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल होंगे ना, तभी तो हम शुरू करते थे रेजोनेंस बनाने, पहले हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते थे फिर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाते थे या लुईस स्ट्रक्चर्स बनाते थे, तो इलेक्ट्रॉन्स सब में बराबर रहेंगे। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ पॉइंट इज एनर्जी ऑफ ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स मस्ट बी सिमिलर, एनर्जी ऑफ ऑल कैनोनिकल structures must be similar. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट सिक्स कंडीशंस। घर से तो उठा लो, पता नहीं इसका नंबर से है, उठा लो। ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स डू नॉट, ऑल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली, डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली टू हाइब्रिड। हाइब्रिड की तरफ ऐसा लगता है कि सारे कैनोनिकल फॉर्म बराबर कंट्रीब्यूशन दिखाते हैं, तो ये गलत है, सारे के सारे इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं दिखाते। ठीक है, दो स्ट्रक्चर्स विच हैव मोर कोवलेंट बॉन्ड्स आर मोर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स हाइब्रिड, दोज कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, वो कैनोनिकल फॉर्म्स जिनके अंदर ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, विद मोर कोवलेंट bonds contribute वो तो बेंजीन के टर्म्स में वो सिर्फ कैलक्यूल है ना, पर CO2 में तो कैलक्यूल नहीं बोलते, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं हाइब्रिड बनाने को उन्हें कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, those canonical structures which with more covalent bond contribute more, मतलब हम कह रहे हैं वो ज्यादा stable होते हैं जिनमें covalent bond ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए hybrid बनाने में उनका contribution ज्यादा होता है जिनके पास covalent bond ज्यादा हो as compared to जिनके पास covalent bond कम हो। ठीक है, इसका example अभी देते हैं, जैसे for example देखो,
रेजोनेंस बनाते हैं, एग्जांपल है इसका CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, दिस इज, इसका नाम बताओ, क्या नाम है इसका, ब्यूटा, हाँ ब्यूटा 1.3 डाई, ये छोटी सी गलती और जीरो मार्क्स, ब्यूटा 1.3 डाई है ना। अच्छा अब ध्यान दें, डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, तो ये रेजोनेंस कैसे बनाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन हम एक साइड पे शिफ्ट करेंगे तो दूसरे के भी इसी साइड पे शिफ्ट होते हुए आएंगे, दोनों बॉन्ड एक साइड पे शिफ्ट होते तो रेजोनेंस बनती है, तो ये सब उस साइड भी कर सकते थे, ठीक है, इस साइड पे शिफ्ट किया तो हमारा क्या हुआ, ये सी एच टू नेगेटिव हो गया, ये सी एच टू क्या हो गया, और इसके पास सिंगल बॉन्ड सी एच, ये बॉन्ड टू बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये कैसे शिफ्ट हुआ, बॉन्ड टू बॉन्ड, और ये बॉन्ड टू इलेक्ट्रॉन, तो सी एच टू पे पहले तो नेगेटिव आ गया, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सी एच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी एच है क्योंकि ये बॉन्ड यहां से यहां चला गया, और इसका बॉन्ड टूट गया क्योंकि इसका तो कुछ नहीं जाता, ये इधर से इधर चला गया तो इसका तो कुछ नहीं हुआ, पर इसका टूट गया बॉन्ड, तो ये सी एच टू पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये वाला सी एच टू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इस साइड शिफ्ट हुए, हो सकता है वो उस साइड शिफ्ट हो, और अगर वो उस साइड शिफ्ट हो तो क्या होगा, उस साइड शिफ्ट होगा तो ये वाला नेगेटिव हो जाता, यस और नो, ये नेगेटिव हो जाता और इधर इधर डबल बॉन्ड आता और इधर पॉजिटिव हो जाता, राइट। तो अब मैं बोलूं इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग होगा टूवर्ड्स हाइब्रिड, कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ये पूछना चाह रहा हूँ इनफैक्ट, तो तुम्हें क्या लगता है कौन सा स्टेबल है, चार्जेस वाला स्टेबल होता है या बिना चार्ज वाला, बिना चार्ज वाला, और ऊपर से हमने अभी लास्ट लाइन में लिखा था जिसके पास कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इन सब में देखो सब में चार चार सिंगल बॉन्ड है और इसमें दो पाई बॉन्ड है, तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, इन सब में एक पाई बॉन्ड है और चार सिग्मा बॉन्ड, तो कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये वाला, तो सबसे ज्यादा हाइब्रिड की तरफ कौन सा स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, ये वाला, तो हाइब्रिड इसके जैसा ही दिखेगा, इसके जैसा नहीं दिखेगा, इसके जैसा नहीं दिखेगा, तो ये वाला मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो गया या मोस्ट स्टेबल हो गया, यानी कि मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रेजोनेंस, इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड्स हैं, दो पाई, और सीसी सिग्मा बॉन्ड कितने, चार सिग्मा सीसी बॉन्ड, इनके अंदर एक पाई हो रहे हैं और चार सिग्मा बॉन्ड है, तो मोर कोवेलेंट बॉन्ड किस में है, तो ये सबसे आसान है, या ये वाला एक कंडीशन समझ आएगी, यस और नो, ठीक है, बना लिया इस रूल, नेक्स्ट रूल पे चलें, हाँ एज कम्पेयर टू जिसके पास बॉन्ड ज्यादा है, तो पाई कोवेलेंट नहीं होते, पाई भी तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, नहीं एच को नहीं काउंट किया मैंने, सीसी सिग्मा काउंट किया, ठीक है, हम सीसी सिग्मा बॉन्ड काउंट कर रहे थे, एच तो सी एच वाले तो बराबर ही होंगे क्योंकि एच बराबर है सब में, वो भी काउंट करोगे तो बाकी आ जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट, सेवेंथ पॉइंट स्टेट्स दैट रेजोनेंस या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स दैट हैव चार्जेस ऑन एडजेसेंट एटम्स आर वेरी अनस्टेबल एंड कंट्रीब्यूट लेस टुवर्ड्स हाइब्रिड हैविंग
opposite charges on the adjacent atoms. Opposite charges on adjacent atoms contribute atoms are unstable and contribute less towards canonical forms. Sorry, towards hybrid. हम कह रहे हैं ऐसे structures जिनके पास adjacent carbon पे opposite charges आ रहे हो, adjacent atoms पे opposite charges आ रहे हो, तो ये वाले बड़े unstable होते हैं. ये वाले क्या होते हैं? Unstable. और ये वाले structures usually hybrid नहीं बनाते, hybrid की तरफ contribute बहुत कम करते हैं. तो resonance में अगर पूछा है which is most unstable, तो unstable वाले वो होंगे जिनके अंदर एक के बाद एक पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि ये दोनों एक साथ रह पाएंगे नहीं. नेगेटिव वाला पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यही होगा, है ना. नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पॉजिटिव के पास कम है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा. तो क्या ये फॉर्म स्टेबल होगी? नहीं, ये फॉर्म स्टेबल नहीं होगी. नेक्स्ट कंडीशन. तो ये वाला हाँ हट गई, तो ये फॉर्म भी तो बदल गया, ये फॉर्म नहीं होगा कैनन हाइब्रिड. तो ये वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर स्टेबल होगा या ये वाला? ये चल नेक्स्ट. स्ट्रक्चर्स विद आइसोलेटेड अनलाइक चार्जेस हैव लेस कंट्रीब्यूशन इन विच दे आर क्लोज टू ईच अदर, इन विच दे आर क्लोज टू each other. Structures with isolated unlike charges have lesser contribution. Structures with isolated unlike charges have less contribution than those in which they are close to each other, than those in which they are close to each other. देखो हम इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं. हमने ये रेजोनेंस सीबीएसई में तो देखा ही था, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन बनाए थे, इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, एरोज पूरा करते थे. तो यहां पे क्या होगा? यहां पे डबल बॉन्ड, ओ पे पॉजिटिव आएगा और इधर एच आएगा, इधर नेगेटिव आएगा, लाइक दिस. फिर इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ओ एच पॉजिटिव और यहां पे, यहां पे, यहां पे नेगेटिव, राइट. ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे और ऊपर दो और बनेंगे आगे. पर अगर मैं 1, 2, 3 में से बोलूं किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, दो और बनेंगे. नहीं, पांच बनते हैं तो पांच बनेंगे. 1, 2, 3 में से अब बोलो किसका कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड की तरफ ज्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे? फर्स्ट वाले में कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, ऐसा है? नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड तो इनमें ज्यादा है. पहला कंडीशन ये थी कि कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होना चाहिए, राइट. तो कोवेलेंट बॉन्ड इसमें नहीं, बराबर ही है सब में, क्योंकि ये वाला बॉन्ड गायब हो गया, ये इधर आ गया, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बराबर है. दूसरी चीज होती है चार्जेस. चार्जेस ऑलवेज लीड टू अनस्टेबल कंडीशन.
तो वन सबसे ज्यादा हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन। अब टू और थ्री में से बोलूं कि कौन ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाता है, थर्ड वाला क्यों? वेरी गुड, यही पॉइंट ये कह रहा है, ये कह रहा है जिसके अंदर आइसोलेटेड माने दूर होंगे, अनलाइक चार्जेस, ऑपोजिट चार्जेस, वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा देन दोज इन विच दे आर पास। मतलब पॉइंट इज दिस, जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव पास होंगे वो कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव दूर होंगे। तो थर्ड वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकेंड वाला। क्लियर है कमलदीप सावल? क्लियर? यस सर। अच्छा तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक सेकेंड को बनाने उल्टा बोल दिया हमने, उल्टा बोला ना, स्ट्रक्चर्स विद आइसोलेटेड दूर वाले उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कम है एज कंपेयर टू दोज इन विच दे आर पास, है ना। वो जिन ने उल्टा बोला तो मैंने भी उल्टा घुमा लिया। देखो पॉइंट इज दिस, जिसमें ये पास है वो ज्यादा स्टेबल है, यही तो लाइन लिखी हुई है, लाइन को पढ़ो, स्ट्रक्चर्स जिसमें दूर है उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कम है। हाँ पॉइंट इज दिस, पॉजिटिव और नेगेटिव को दूर रखना मुश्किल है, पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ रहना चाहते हैं? पास। पास रखना आसान है, दूर रखना मुश्किल है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन किसका ज्यादा है? सेकेंड का। ठीक है उद्दिन की वजह से गलत होगा ऐसा। चलो नोटेड, हाँ ठीक नहीं होता। नेक्स्ट फोर्थ, हाँ फोर्थ इज लिखेंगे फोर, सॉरी कितने में? नाइन्थ इज स्ट्रक्चर्स विद नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव and positive charge on electropositive element are more stable. Structures with negative formal charge है, ये negative charge नहीं होता, formal charge होता है जो हमने resonance में पढ़ा था, negative formal charge on electronegative atom and पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल एंड मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, आर मोर स्टेबल एंड मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग unless electronegative. More contributing towards hybrid. इस बात का क्या मतलब है? एक example देखते हैं। जैसे for example हमारे पास एक सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O। अब जैसे हमने पीछे किया था ब्यूटा 1,3 डाइन में, उसमें हमने शिफ्ट किया था बट दोनों साइड किया था, एक बार इधर करा था एक बार उधर, इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे देखो इसको इधर शिफ्ट करा, इसको इधर शिफ्ट किया तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा,
ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा अगर हम देखें तो ओ नेगेटिव एच, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे सी एच ही रहेगा और सी एच टू के पास पैसा कम पॉजिटिव क्योंकि उसका लॉस हो जाएगा क्योंकि जब ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट हुआ। नोट किया ये सबने। ऑन दी अदर हैंड अगर हम कहते कि ये दूसरी साइड भी शिफ्ट होता, दूसरी साइड अगर ये शिफ्ट होता तो किधर कैसे शिफ्ट होता, ये इधर शिफ्ट हो जाता है ना, क्या बोलो, अगर ये इधर शिफ्ट हो जाता और ये इधर आ जाता ऐसे, हाँ तो क्या होता, सी एच टू पे नेगेटिव चार्ज, सी एच पे और डबल बॉन्ड यहाँ पे सी ओ पे पॉजिटिव चार्ज, ये आता यस और नो। तो अगर हम बोले स्ट्रक्चर नंबर दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स है इसके, सपोज मान लो ये वाला और ये वाले की बात करते हैं, वन और टू में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है एंड वाई, ऊपर वाली लाइन पढ़ के जवाब देना, वन ज्यादा स्टेबल है या टू, वन ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग है या टू, सेकेंड वाला, क्यों, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल बुराई बुरे लोगों पे अच्छी लगती है और अच्छाई अच्छे लोगों पे अच्छी लगती है, पर अच्छाई बुरे लोगों पे अच्छी नहीं लगती और बुराई अच्छे लोगों पे अच्छी नहीं लगती, पर पॉइंट इज दिस कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचने वालों में से है तो नेगेटिव किस पे शोभा देता है, ऑक्सीजन पे, है ना, पर उसी तरीके से कार्बन को नेगेटिव दे दें और ऑक्सीजन को पॉजिटिव बना दें, क्या ही शोभा देता है, नहीं, तो नेगेटिव फोन सबसे नेगेटिव चीजें हैं, तो पर ही नेगेटिव चार्ज हमारा एफ ओ एन पे अच्छा लगता है और कार्बन पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है तो उसको नेगेटिव अच्छा ही लगता है, उसे पॉजिटिव भी सही लगता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है जिसमें नेगेटिव पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज आए और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव, तो इसीलिए ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग है एज कम्पेयर टू दिस वन। क्लियर ये पॉइंट, यस बोले ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो दे कैसे रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दैट आर मोर इंपॉर्टेंट इन अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट नेक्स्ट कंडीशन है 10th, रेजोनेंस स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर माने प्लेन में होने चाहिए, वो 3D में नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें बेंजीन की, बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स प्लेनर हैं क्योंकि यहाँ पे सारे कार्बन sp2 हैं, sp2 उधर ट्राइगोनल प्लानर, तो ये पूरा प्लेन में रहेगा, किसमें रहेगा, प्लेन में रहेगा। क्या लाइन इज नॉट इन अ प्लेन, नहीं उनके नहीं बनते, टेट्राहेड्रल पे नहीं बनेंगे, लीनियर भी तो प्लेनर होता है, ये sp है क्योंकि कार्बन के जब दो डबल बॉन्ड होंगे तो sp होता है, तो sp लीनियर होता है, क्या होता है लीनियर, तो ऑब्वियसली लाइन इज ऑलवेज इन अ प्लेन, ठीक है, ट्राइगोनल प्लानर इज ऑल्सो इन अ प्लेन, बट टेट्राहेड्रल नॉट इन अ प्लेन, वो प्लेन से बाहर या अंदर होता है। तो हम कह रहे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स यूजुअली सारे प्लेनर होते हैं, क्लियर रहेगा, याद रहेगा। नेक्स्ट हो गई हमारी कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, यहां तक क्लियर है, रेजोनेंस बनाए। चलो रेजोनेंस इन बेंजीन, हमने बनाई, इसके अंदर दो स्ट्रक्चर्स ही मेन होते हैं, ये और ये, बट सम अदर स्ट्रक्चर्स आर ऑल्सो पॉसिबल ऑल्दो नॉट वेरी प्लेजेंट टू आई। बेंजीन की ये स्ट्रक्चर्स हैं
इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो बेंजीन के पर हमारे मेन दो जो है वो है किक्यूल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर्स में क्या है कि वैसे इनका भी तो डबल बॉन्ड बन सकता है, इनका भी डबल बॉन्ड बन सकता है, तो ये भी स्ट्रक्चर्स हैं इसके बेंजीन के रेजोनेंस के, बट लेयर लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग, क्योंकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना, हाँ टूट जाएगा। तो पॉइंट इज, तो अगर वो पास पास हो तो ये पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर्स कि डबल बॉन्ड इधर इधर बन रहा है, वन इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी इनके है ही, हाँ सिंगल बॉन्ड है ये, सॉरी सिंगल बॉन्ड है ये, बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओनली, तो बेंजीन के एक्चुअल में दो ही मेन स्ट्रक्चर्स हैं, केक्यूल स्ट्रक्चर्स ये दो, बट तीन लेस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब रेजोनेंस तुम बना के दिखाओगे, चलो ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी, नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस एनर्जी। अच्छा, रेजोनेंस एनर्जी में लिखेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड is always more stable than any other resonating structures. The stability of resonance hybrid is due to delocalization of electrons. Or resonance is due to delocalization of electron and is known as resonance energy or delocalization energy. Resonance energy or delocalization energy. Point is this, हम जैसे सपोज बेंजीन की बात कर रहे हैं, बेंजीन के ये दो मेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स थे, यस और नो, और इनका जो हाइब्रिड था वो क्या था, तो अगर हम जानते हैं तो मोस्ट स्टेबल कौन सा है, हाइब्रिड, मोस्ट स्टेबल कौन सा है, हाइब्रिड। हाइब्रिड स्टेबल क्यों है, क्योंकि इसके अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स जो
कई जगह पे लोकलाइज थे वो अब अपनी जगह छोड़कर डीलोकलाइज हो गए हैं। ये डीलोकलाइज होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल है और ये लोकलाइज है, ये लोकलाइज नहीं है, लोकलाइज माने ये यहीं पे है। तो इनके अंदर जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, ये दोनों मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, बाकी तीन क्या थे? लेस स्टेबल। हाँ या ना? हाँ दोनों सेम है, इसलिए दोनों ही मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। और जो हमने बनाए थे ये वाले भी थे बट ये देवर लेस स्टेबल, काम के नहीं थे, ठीक है। तो इनके बीच में और इनके बीच में मोस्ट स्टेबल ऑफ कैनोनिकल फॉर्म है। ये क्या है? मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल। कैनोनिकल में सबसे स्टेबल ये है ना, और हाइब्रिड इनसे भी ज्यादा स्टेबल है। हाँ है ना, हाइब्रिड मोस्टेस्ट स्टेबल है ना, मोस्ट स्टेबल है। तो इनके बीच में भी एनर्जी का गैप होगा और ये एनर्जी का जो गैप होता है इसे बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। इन्हें क्या बोलते हैं? ये मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं और ये हाइब्रिड है, तो ये दोनों का एनर्जी सेम तो नहीं होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन हर जगह है, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ जगह है, तो इनके बीच की जो एनर्जी का गैप होता है, यानी मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और हाइब्रिड में जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। क्लियर है ये पॉइंट? तो इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स में चला जाता है, करते हैं एक बार, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ रेजोनेंस एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, नेक्स्ट लाइन बना, नेक्स्ट पैराग्राफ। कौन सा ट्रिपल बॉन्ड? ये सिंबल होता है हाइब्रिड बनाने का। हाँ देखिए जरा, अभी हमें रेजोनेंस एनर्जी बतानी है, हमें बताना है कि वो ज्यादा स्टेबल है। तो इसको समझने के लिए देखो, एक होती है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, या एंथैल्पी इज आल्सो कॉल्ड हीट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ लिया है हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोजनेशन होता है किसी चीज में H2 डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम निकल एटसेट्रा, HH ऐड हो जाता है, डबल बॉन्ड क्या हो जाता है? सिंगल। तो साइक्लोहेक्सीन क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन क्या बन गया? हेक्सेन। एक H इधर ऐड हुआ, एक H इधर ऐड हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, ये याद है। इस प्रोसेस में हमने कैलकुलेट करी कितनी एंथैल्पी रिलीज होती है, वो एंथैल्पी जो रिलीज होती है हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन में वो है -120 किलो जूल पर मोल, यानी 120 किलो जूल पर मोल एनर्जी साइक्लोहेक्सीन को साइक्लोहेक्सेन बनाने में रिलीज होते हैं। अच्छा अब अगर मैं यहां पे एक की बजाय तीन बॉन्ड्स ऐसे तोड़ूं, तीन बॉन्ड्स कौन से होंगे जो इस स्ट्रक्चर में होते हैं, कैक्यूल स्ट्रक्चर में? हाँ या ना? एक दो तीन, एक बॉन्ड तोड़ने में लगते हैं 120, तो तीन बॉन्ड तोड़ने में कितने लगेंगे? यानी कि अगर मैं इसमें हाइड्रोजनेशन करूंगा प्लैटिनम की प्रेजेंस में तो मुझे मिलेगा साइक्लोहेक्सेन, पर यहाँ पे तीन बॉन्ड ऐसे हुए होंगे, तो मेरे हिसाब से कैलकुलेटेड, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कैलकुलेट करके देता है हमेशा, इसके अंदर इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। हमारे पास ये एक बॉन्ड था, लगा लो ऐसे, एक बॉन्ड तोड़ा था, पर हमारे पास टोटल बॉन्ड कितने थे? तीन। तो तीन बॉन्ड थे तो कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है? -360 किलो जूल पर मोल। हाँ या ना? हाँ या ना? पर जब हमने बेंजीन का किया तो बेंजीन के साथ एक्चुअल में किया तो हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी पाई? वो 360 नहीं थी, वो कितनी थी? ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाज, ऑब्जर्व्ड वैल्यू वाज 208 किलो जूल्स पर मोल, 208 किलो जूल पर मोल, पॉजिटिव माइनस में 208 किलो जूल पर मोल। तो दैट मीन्स बेंजीन जो हम सोच रहे हैं कि तीन डबल बॉन्ड से बना है, वो तीन डबल बॉन्ड से नहीं बना है। एक्चुअल में बेंजीन का स्ट्रक्चर ये नहीं है, एक्चुअल में बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला। तो अगर हम कैलकुलेशन से चलते हैं तो कैलकुलेशन से हम इसकी निकाल सकते हैं, बट हम इसकी तो नहीं निकाल पा रहे,
तो इसकी और इसके में एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा? 360 माइनस 250 208, तो वो कितना आया? 152 किलो जूल पर मोल आया. कितना डिफरेंस आया? 152 किलो जूल पर. दैट इज द रेजोनेंस एनर्जी. समझो, दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा समझ. आ गया समझ? मतलब पॉइंट इज दिस, एक डबल बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी मुझे पता है, तो तीन की मैंने कैलकुलेट करी, पर तीन की जो निकली वो एक्चुअल में बेंजीन की होती नहीं है. बेंजीन की एक्चुअल में है -208, और हमें पता है कि बेंजीन का हम ये समझ रहे हैं, पर एक्चुअल में क्या होता है? ये वाला. तो ये और ये, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा जो इनकी ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड में डिफरेंस है? तो वो हो गई रेजोनेंस एनर्जी. तो रेजोनेंस एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर तुम्हारा क्वेश्चन जेई में आ सकता है, नीट में तो मुश्किल है, पर नीट में भी हो सकता है आ जाए. तो आ गया तो तुम ये दिमाग में रखना कि जो तुम्हें एक स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी दे रखी है उसमें थर्मो लगाना. हेसिस लॉ लगाया हमने, बस एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, दो तीन से मल्टीप्लाई किया और फिर हमने इसकी और इसकी कंपेयर कर लिया. तो थोड़ा सा थर्मो से ये लिंक होता है टॉपिक. नेक्स्ट, -152 आ रहा है, तो तुम पॉजिटिव वाली लो वैसे तो, कि इसकी और इसके बीच में डिफरेंस कितना एनर्जी का, तो तुम पॉजिटिव वाली बोलोगे. ठीक है, ठीक है. तो प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट देखते हैं, या प्लस एम और प्लस आर एक ही बात है. तो प्लस एम एंड माइनस एम इफेक्ट, जिसको हमने पढ़ा है प्लस आर और प्लस माइनस आर इफेक्ट, है ना. तो वही है, प्लस एम इफेक्ट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, किसकी वजह से होता है? ठीक है, और माइनस एम इफेक्ट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करना है. वैसे तो हम बेंजीन के ऊपर लगे हुए एटम को कैसे क्लासिफाई कर देते हैं? एज ए बी. जैसे बेंजीन के ऊपर मैंने OH लगाया, तो इसके ऊपर पहले वाला एटम A और दूसरे वाला B. तो A और B में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा? अगर A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, तो A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है B से, तो ये OH से लेगा और O आगे देगा. तो इसमें हमने पढ़ा है ये कैसा इफेक्ट दिखाएगा? प्लस M इफेक्ट. और इफ B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो वो माइनस M इफेक्ट. यानी कि बेंजीन के ऊपर ये इफेक्ट से तुम बता सकते हो कि कौन सा प्लस M दिखाएगा, कौन सा माइनस M दिखाएगा. फॉर एग्जाम्पल OH के अंदर A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये प्लस M इफेक्ट दिखाएगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम NO2 को देखें, तो A और B में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बी. B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हमारा माइनस एम इफेक्ट दिखाएगा. ठीक है, तो बेंजीन के लगे ग्रुप्स में आइडेंटिफाई कर पाओगे या नहीं? हर्ष बोलो, क्या डाउट है? ये वाला बात समझे, H और O में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? O. तो H O को देगा, O आगे डोनेट कर. इसलिए लोन पेयर एक्स्ट्रा होते हैं, तो लोन पेयर डोनेट करते हैं. ऑन द अदर हैंड N और O में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ओ. तो एन ओ से, ओ एन से खींचेगा और ओ को आगे खींचना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर सपोज मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर बना के दूं पर वो बेंजीन का ना हो, तो तुम कैसे बताओगे? जैसे फॉर एग्जांपल CH2, पहले इसको रेजोनेंस में ला सकते हो? कैसे आएगा रेजोनेंस? बॉन्ड से बॉन्ड कर देते हैं, सेम माइनस बॉन्ड कर देते हैं.
बॉन्ड से बॉन्ड ये इधर आ जाए सी एल तो डबल बॉन्ड नहीं बनाता ये वाला ये इधर चला जाए क्योंकि लोन पेयर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड तो लोन पेयर को भी पार्ट लेना पड़ेगा तो लोन पेयर इधर आएगा डबल बॉन्ड उधर जाएगा तो सी एच टू माइनस हो जाएगा सी एच और सी एल में अब डबल बॉन्ड बन सकता है जब सी एल प्लस होगा तो अच्छा अब इस केस में मुझे बताओ ये प्लस आर इफेक्ट है या माइनस आर इफेक्ट है प्लस एम माइनस एम वही होता है प्लस आर माइनस आर इज इट प्लस आर या माइनस आर इज इट प्लस एम और माइनस एम प्लस कैसे पता चला अमीशी सी एल पे पॉजिटिव चार्ज है वेरी गुड ग्रुप ने क्या किया उसको देखना जो ग्रुप है हमारे पास कार्बन को छोड़कर तो ग्रुप ने दिया या लिया दिया डोनेटिंग वाला इफेक्ट है तो डोनेटिंग वाला पॉजिटिव आ गया ग्रुप पे जो चार्ज है वो इफेक्ट है ये प्लस आर इफेक्ट है कैसा अनस्टेबल तो होगा पर अगर पेपर में बना हुआ आ रहा है और पूछा जाए कि ये प्लस आर है या माइनस आर है तो एक ही बनेगा हाँ एक ही बनेगा पॉसिबल है पर स्टेबल नहीं है ज्यादा अच्छा कंपेयरिंग इंडक्टिव एंड मेसोमेरिक इफेक्ट अभी तक हमने दो इफेक्ट कर लिए यस और नो एक हमने किया इंडक्टिव इफेक्ट और एक हमने किया मेसोमेरिक इफेक्ट अगर हम इंडक्टिव और मेसोमेरिक को टक्कर में ले आए रेजोनेंस था रेजोनेंस इज मेसोमेरिक इफेक्ट ठीक है तो अगर हम रेजोनेंस और इंडक्टिव को देखें तो कौन जीतेगा तुम्हें क्या अगर रेजोनेंस और इंडक्टिव दोनों उल्टा चल रहे हैं किसी कंपाउंड में जैसे फॉर एग्जांपल यही कंपाउंड इसमें उल्टा चल रहा था हेलो हेलो हाँ दीक्षा बोलो सर आ जाने मेरे को ना कुछ डाउट है हाँ आ जाओ फिर मैं सर? चार बजे आ जाओ रख लो जल्दी हमारे पास बारह से दो बजे बारह से नहीं कर रहा अभी चेंज मैं दूसरी क्लास को चेंज कर रहा हूँ अच्छा हाँ इसका रेजोनेंस अभी हमने बनाया था यस वाला लाइक दिस और इसमें क्या हुआ था सी एच टू माइनस सी एच ये था अच्छा ये रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है राइट हाँ ना ये कौन सा इफेक्ट है प्लस आर पर अगर तुम सोचो यहां पे सी एल का क्या होगा माइनस आई इफेक्ट ये सुनो प्लस चार्ज आएगा सी एच टू पे पार्शियल
माइनस साइन इफेक्ट क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला नेगेटिव हो जाता था, उसका पड़ोसी थोड़ा गरीब पॉजिटिव, उसका पड़ोसी थोड़ा कम गरीब ज्यादा आया। तो इंडक्टिव में ये विड्रॉ कर रहा है, रेजोनेंस में ये दे रहा है। यहाँ पॉजिटिव, तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि प्लस आर में ये दे रहा है और माइनस आई में ये ले रहा है, तो ये कर क्या रहा है एक्चुअली? रेजोनेंस ज्यादा कर रहा है या इंडक्टिव ज्यादा करता है या कौन सा स्ट्रांग होता है? इसकी देने की एबिलिटी ज्यादा है या ले खींचने की एबिलिटी ज्यादा है? खींचने। नहीं, जब रेजोनेंस और इंडक्टिव उल्टा चलते हैं तो उस केस में रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, व्हेन रेजोनेंस एंड इंडक्टिव इफेक्ट अपोज ईच अदर द रेजोनेंस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव। Resonance effect is stronger. Clear, everybody?